भाई फिर से आ गया शहजादी। बताओ भाई लोग कैसे हो। मैं गुरु आ गया हूं एक नए गेम प्ले के साथ। और आज वाले गेम प्ले में भाई एक पोसाइडन मैक्स वाली गर्ल आई हुई है और वो यहां जॉर्जिया पुल में ही उतरी हुई है। और सही बताऊं तो देखो यार, ये वाला गेम प्ले मैं रिकॉर्ड करने नहीं आया था, रिकॉर्ड करने वाला था मेरा टीममेट। बट मेरे टीममेट के साथ हो ये जाता है कि वो जो पोसाइडन मैक्स गर्ल आई हुई ना जॉर्जिया पुल के अंदर, वो मेरे टीममेट को भाई दो बार नॉक एंड फिनिश कर देने वाली है। रिकॉल होने के बाद भी मेरा टीममेट उसी से ही जाके मर जाता है। और उसके बाद जो भाई मैं रिवेंज लेने वाला हूँ ना अपने टीममेट का, वो जरूर देखना। और मज़े की बात गाइस, जब मैं उसको मारूंगा और उसके सामने इमोट करूंगा और उसके बाद गाइस जो उसका माइक खुलने वाला है ना ऑल से, आप लोग भाई पागल हो जाओगे सुनकर, वो जरूर देखना। ये देखो मेरा टीममेट उससे पिट चुका है और यहाँ पे अभी रिकॉल होकर वापस आएगा मेरा टीममेट और उसके बाद वापस उसी के हाथों पिटने वाला है। उसके बाद तुम्हारा भाई रिवेंज लेगा जाकर उस शहजादी से। शहजादी के नाम पे शहजादा होगा। अब यहाँ पे ये जो सामने बंदा है ना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा घुमाता है मुझे इधर से उधर इधर से उधर। अब यहाँ ये होता है ना कि ये वाला जो बंदा है ना भाई, मेरे को डायरेक्ट नॉक एंड फिनिश करेगा। उसके बाद गाइस मैं अपने टीममेट का तो रिवेंज लूँगा ही लूँगा, साथ में अपना भी रिवेंज लेने वाला हूँ इस बंदे से, जिस बंदे से मैं पिटने वाला हूँ भाई। अब देखना, मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो मैं अपना बदला लूं इस वाले बंदे से, जिस बंदे ने मेरे को नॉक एंड फिनिश किया। उसके बाद अभी जो मेरा टीममेट है शहजादी के हाथों वापस मरने वाला है, फिर उसके बाद मैं अपने टीममेट का भी बदला लूंगा। अब अभी आगे देखो भाई, वापस रिकॉर्डिंग लगा रहा शहजादी की माँ का भोसड़ा चार बार। हाँ जी, गई शहजादी गई। गाइस कैसे रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी। रंदे रंदे रंदे, अरे शहजादा यही है। तो चलो भाई, अपना रिवेंज तो कंप्लीट हुआ और अभी बारी है भाई मेरे टीममेट का रिवेंज लेने की उस शहजादी से। पहले मर तो जाने दो मेरे टीममेट को। शहजादी भाई, उसको 1 एचपी डाला यार। हाँ फिर से यहीं पे। बॉट हेलो आवे आवे तेरा टीममेट मार दो यार, 3 बार 2 बार मिल के चलो।
बॉट के बच्चे मार दे मार दे, बुरा मार, बुरा मार। बॉट के बच्चे आ जा बेटा, फिर से आता हूं। बोला तो था ज्यादा निकलेगा तो भाई इसकी आवाज सुनने के बाद तो भाई ये निकलता है भाई शहजादा, भाई ये शहजादी नहीं था तो भाई यार कुछ भी बोलो ये वापिस इधर ही आऊंगा बोल रहा था, पर यहाँ ये बंदा नहीं उतरने वाला है। और अभी ना यार मेरा टीममेट को भी गेम प्ले रिकॉर्ड करना था, तो मेरा टीममेट कहता है एग्जिट मार ले, तो उससे पहले यार अपन यहाँ पे जॉर्ज खत्म करते हैं फिर एग्जिट मारते हैं। कोई और हो सकता है, घुस जाओ होता तो ऐसे। तो यहाँ पे भाई कुल मिलाकर इसी के साथ जॉर्ज पुल पूरा क्लियर हो जाता है, और यहाँ भाई मैं शहजादी का काफ़ी वेट करता हूँ कि यहाँ वापस आएगा वो बंदा और इसको वापस मैं मारूंगा, वापस ट्रोल करूंगा, बट वो नहीं आता है। और यहाँ पे भाई उसके किल मैसेज भी नहीं आते हैं, तो मुझे लगा कि भाई वो मर चुका होगा। तो हम क्या करते हैं भाई यहाँ एग्जिट मार लेते हैं, यहाँ पे मेरे टीममेट को भी गेम प्ले रिकॉर्ड करना था। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई सेकंड गेम प्ले की ओर, और यहाँ हम उतर रहे हैं पोचिंग की में, और इस सर्कल पे भाई आपको पता ही है कितने बंदे उतरते हैं भाई, मतलब हर एक कोने में आपको बंदा दिखेगा। और यहाँ होता भी यही है, यहाँ उतरते ही भाई थोड़ी बहुत लूट लेते हैं, फिर भाई जो बंदे उतरे ना पोचिंग की में पूरी पोचिंग की खाली करके ही जाएंगे भाई। और लाइक गाइस कर देना अगर पोचिंग की में खाली कर देता हूँ तो। यहाँ पे यार मेरे को बगल वाले घर से फूट साउंड आ रहे थे, तो इसके लिए मैं मौली को कर देता हूँ, और ये मौली से भाई ये बंदा जल भी जाने वाला है। और उसके साथ ही भाई एक और मौली में कर देता हूँ, मुझे लगा कि इसका टीममेट भाई ऊपर की ओर होगा, पर ना ऊपर कोई भी नहीं था। यहाँ यार जिसको मैंने मॉली डाल के नॉक किया था उसका टीममेट जस्ट बाजू वाले घर पे है मेरे, तो अभी बारी है भाई इसके ऊपर रश करने की। अबे यार आ सकता है क्या, वो डैमेज है सब लग गए भाई पूरी स्क्वाड। तो इस बॉट को खत्म करते ही भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ ना भाई अभी एक थ्री स्टोरी के ऊपर बंदा है जो कि भाई कब से भाई चटर पटर किए जा रहा है, तो अभी तो भाई उसकी चटर पटर पहले बंद करूंगा। अब जो बंदा यार कब से चटर पटर कर रहा था उस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, अभी बारी है भाई उसके टीममेट की, उसको रिवाइव देने के लिए उसका टीममेट आने वाला है, और अभी इसको देखो। भ
भाई इसका जो टीममेट है ना यार, इसको कितनी गालियां दे रहा होगा ना यार, उसी को पता, क्योंकि भाई वो बंदा भाई इसको बेचारा बचाने आया था और उसके साथ वो भी यार मारा गया। और यहाँ पे भाई इसके ऊपर डायरेक्ट उनको नॉक करके पुश करता हूँ कि भाई उसको फिनिश कर दूँ, लेकिन भाई ये बंदे मेरे को दिखते ही नहीं है, पूरा घर छलांग मार दिया भाई, पता नहीं किधर जाके छुप गए मुझे नहीं पता। लेकिन इनमें से एक बंदे का किल आता है, बाकी एक जो बंदा था थॉर नाम का जिसको मैंने हैंड में नॉक किया भाई, वो बच जाता है, उसका किल मेरे को नहीं आता, बट जो थॉर नाम का बंदा है ना भाई वो आगे चल के मेरे हाथों ही पिटने वाला है। अब भाई यहाँ पे इस वाले घर में जैसे ही आता हूँ तो ऊपर से मेरे को फुट सॉन आता है। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि सामने भी एक बंदा था, और अभी मेरे टीममेट को देखो, तो मेरा जो टीममेट है भाई वो बिना सोचे समझे ऊपर भाग जाता है और जिसकी वजह से नॉक हो जाता है, और ये बंदा भी मेरे ऊपर पुश करेगा। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। तो यहाँ भाई मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ। अब बारी आती है उस सामने वाले बंदे की जो कि भाई घर पे कब से बैठा हुआ है, और इसकी नज़र तो भाई मेरी कब से गड़ी हुई थी, स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी ज़्यादा ना सोचते हुए भाई डायरेक्ट इसके ऊपर पुश करेंगे, और ये बंदे को भाई देखना जब मैं इसको मारूंगा तो ये करता क्या है भाई, लिटरली आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, पेट दुख जाएगा आपका। तो भाई इस बंदे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या ही बंदा था ये, फिलहाल यहाँ पे मैं आया था इस बॉट को मारने, लेकिन भाई मेरा टीममेट पीछे से ले जाता है इसको। और यहाँ पे इसी के साथ भाई 10 किल हो चुके हैं पॉचिंकी के अंदर भाई, और गाइस अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस यार, लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, हर एक बंदे को कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो यार, और अपने दोस्तों को हो सके तो वीडियो को शेयर करते रहा करो ताकि गाइस हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सके यार, क्योंकि मेहनत मैं काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको भी पता है गाइस मेरे चैनल कितने डिलीट हुए हैं, उसके बाद भी यार मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, अभी भी मैं कर रहा हूँ यार, और आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा है यार जिस तरह आप कर रहे हो, तो यार ज़रूर से एक दिन यार वो दिन आएगा जिस दिन अपन भी भाई 100 के करेंगे अपने चैनल पर। पोचिंग को अपने नाम करते ही भाई डायरेक्ट आ जाते हैं अपार्टमेंट्स की ओर, और यहाँ देखना अभी भाई, भाई यार मैं क्या बताऊँ यार, मैं कैसी गाड़ी रोकता हूँ ना यार ओपन में यार, मुझे ही पता है यार। अब मैं सही बताऊँ ना तो इसको मैं बॉट समझा था, जिसकी वजह से यार मैं जल्दी से गाड़ी रोकता हूँ और उसका किल ले लेता हूँ कि यार उससे पहले मेरा टीममेट ना ले ले। और भाई सही बताऊँ तो मेरा टीममेट बड़ा तेज है यार, जितने बॉट आते हैं ना वही लेके भाग जाता है, तो मैं भाई तेज़ी से सीधा गाड़ी रोक के यार सीधा मैं उसको नॉक फिनिश दे देता हूँ। जो भी हो यहाँ पे अपार्टमेंट में अब भाई कोई भी बंदा नहीं था, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हेल्थ वेल्थ लगाते हैं, फिर भाई अभी ना बारी आती है ऊपर जाने की, क्योंकि भाई ऊपर की ओर ये भी इस टाइम पे बंदे मिलेंगे, तो अपन जल्दी जल्दी हेल्थ लगाते हैं फिर ऊपर की ओर निकलते हैं। इतने भी नहीं पड़ती। और भाई अपन जैसे ही ना ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही भाई फटाखों की आवाज़ आने लगती है, बस तुम देखो भाई क्या होता है यहाँ। एक नॉक है भी ज़्यादा चल गुस्सा, इन महाशय का ध्यान पता नहीं कहाँ पर ही था। चलो सर चलो सर जी। तो यहाँ भाई सामने से कुछ बंदे यार फायर देकर बुलावा दे रहे हैं, तो चलो यार उनकी फाइट में थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अरे डैमेज है यार, इधर आ जा। डैमेज है वैसे तो फटेगी उसकी, तू टाइम वेस्ट नहीं कर, फ्री फायर दे जा इसकी खुद की फटेगी। नेड आ रहा, निकल ले निकल ले, राइट में भाग ले भाग ले बोल रहा था।
भाई इस बंदे ने जिस तरीके से ये छलांग मारी थी ना बंदरों वाली, भाई देखकर मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, क्या ही बोले उसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे ना भाई जिस स्पीड से उस बंदे ने छलांग मारी थी उसी स्पीड से वो सीधा लॉबी गया, और यहाँ भाई इसका एक टीममेट भी है सामने। अब भाई इस बंदे को तो यार मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था यार, लेकिन इसका किल जो है ना मेरे टीममेट के यार खाते में जुड़ जाता है। पर जो भी हो चलो ठीक है भाई, कवर मिल गया जो भी है। चलो अभी निकलते हैं भाई नीचे की ओर, क्योंकि इधर के जो मामला है ना पूरा ही ख़त्म हो गया, ऊपर कोई भी नहीं है अभी, सारा टेम्पल अपन ने अपने नाम कर लिया इधर का। और निकलते हैं भाई नीचे, अब देखो नीचे भी फाइट होने वाली है अभी। रुको रुको भाई, एक बंदा अभी और है ऊपर की ओर जो भाई सामने कैंपिंग कर रहा है। तो भाई ये बंदा भाई ये टेंपल अपने नाम करने वाला था, वो तो भाई हमारी नज़र इस बंदे के ऊपर पड़ गई, वरना भाई ये टेंपल उसके नाम हो जाता। पर जो भी हो चलो भाई इसको मारा, और अपन अभी नीचे जाने वाले, और नीचे जाते ही भाई अपने को बंदे मिल जाने वाले हैं। चले गए नेट डाल चेक में नेट, अबे जल्दी हां वो रे शायद। अब यहाँ पे सही बताओ तो गाड़ी लेने के लिए अपन आए हुए थे, लेकिन भाई सामने की ओर हमको यार बंदे दिख जाते हैं ऊपर से। अब जिनमें से एक तो मैं नॉक कर देता हूँ, बाकी यहाँ पे गाड़ी लेकर किसी ने पुश किया है हमारे ऊपर, अभी बारी है इसकी। कोई ना, अब यहाँ पे भाई एक बंदा जो ना बिल्कुल क्लोज आ चुका है हमारे भाई, सामने खतरा है। और ये बंदा आ गया है स्क्वाड हाउस पे अभी। अब इसका टीममेट था ना भाई हमारे ऊपर रश करने की सोचता है, लेकिन भाई वो गाड़ी लेकर अभी भागने की कोशिश कर रहा था सामने, और अभी देखना इसको यार क्या करता है ये। नहीं डाल दे, नहीं डाल दे, नहीं डाल दे। तो भाई यही था वो थॉर जिसको मैंने पोचिंग के 3 स्टोरी पे नॉक किया था, पर पता नहीं ये कहाँ ही भाग गया था भाई, पता ही नहीं चला। उसका किल उस टाइम पे तो नहीं मिला था, बट अभी भाई जाकर इसका मैंने किल ले डाला, और यहाँ पे टोटल 17 किल हो गए हैं। और अभी भाई आगे चलकर जो हमारे साथ होने वाला है ना वो देखना मत भूलना भाई, बिल्कुल कतई गलत सीन सा हो जाएगा। उधर का मामला ख़त्म करते ही भाई इस वाली जगह पे आते हैं। अब यहाँ जैसे ही आते हैं ना तो भाई यहाँ स्क्वाड हाउस के अंदर भाई 2-3 बंदे कैम कर रहे हैं बिल्कुल ही। तो इसके लिए मैं नेट डालता हूँ, लेकिन मेरा नेट काम नहीं आता, मेरे टीममेट का नेट काम आ जाता है। 2 बंदे मेरे टीममेट के नेट से नॉक होते हैं, बाकी एक और बंदा था जो अब देखना भाई कहाँ पे ही जाके बैठा था, और भाई देखना क्या होता है। और भाई ये बंदे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये अपने टीममेट को यार रिवाइव देने तक का नहीं सोचा लिटरली। भाई ऐसा भी कोई टीममेट होता है क्या, कामचोर है भाई, लेटा हुआ था बड़े आराम से यार। अब यहाँ पे भाई सामने वाले घर पे यार कुछ बंदे स्नाइपर चला रहे होते हैं, और यहाँ ना अभी भाई स्नाइपर से मेरा टीममेट हो जाता है नॉक, और वैसे ही भाई ये बंदे जो है ना हमारे ऊपर अभी पुश करेंगे, और अभी क्या होगा ना वो वाला सीन देखना भाई। बहुत बढ़िया, इनको क्लोज जाना पड़ेगा पता है, वरना ऐसे ही चलते रहेंगे। रश कर दिया, कोई ना आओ भाई तुम सामने से, ये नेड मारेगा थोड़ा अलग रहना, नेड मारेगा। रुकना नेड डालेगा। अब देखो यहाँ ये हो जाता है कि भाई ये मौली पूरा ही मेरे को खा जाती है। यहाँ पे भाई मैंने लोटा लगा भी लिया था, ये जो लोटा मिलता है ऊपर से एक और मौली आती है, और उसके साथ ही भाई यहाँ पे ये गेम पूरा ही फिनिश हो जाता है। बचा मेरा टीममेट, उसको भी भाई ले जाते हैं जैसे न तैसे भाई। और आज का गेम प्ले भाई यहीं तक था, गेम प्ले अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और स्टार्टिंग वाला रिवेंज भाई कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट और एक अमेजिंग से गेम प्ले वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड गाइस सुरक्षित रहिए।